So very good evening, my dear friends. I'm Dheeraj. I welcome you all to testbook.com and I'm here to provide you the best I have, right? So my dear, once again, I came back with another brand new session for what, my dear? Oil India Limited, and that is what, my dear, model paper number 2, right? So we are already done with the model paper number yesterday. कल हम लोगों ने मॉडल पेपर नंबर 1 कर चुके थे, राइट? सो आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 2. बट आगे बढ़ने से पहले देयर इज सम इंपॉर्टेंट समथिंग कम टू यू, दैट इज व्हाट माय डियर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर लाइफ कोचिंग में तो बच्चा पार्टी बैच अवेलेबल है, राइट? इसमें आपको मिलेंगे 50 से भी ज्यादा पीडीएफ नोट्स, 150 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, 25 से भी ज्यादा टेस्ट. इन एडिशन टू दैट 150 से ज्यादा क्लासेस मिलेंगे. एंड माय डियर, व्हाइल एनरोलमेंट यू कैन यूज माय कोड, दैट इज व्हाट माय डियर, धीरज जी, सो दैट आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी पे. अगर तैयारी हो चुकी है तो इट्स टाइम टू एनालाइज द परफॉर्मेंस, दैट कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं टेस्ट सीरीज में, राइट? सो आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर द टेस्ट बुक पास. जो पास आपको दे रहे हैं हम, दैट इज व्हाट माय डियर, जस्ट फॉर ₹399, उसमें क्या मिलेगा, 400 से ज्यादा एग्जाम बाय द हेल्प ऑफ 27,000 प्लस मॉक टेस्ट, राइट? एग्जाम टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, चाहे बैंकिंग हो या रेलवे, हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज हम इसमें कवर करेंगे. एंड दैट इज व्हाट माय डियर, 2 साल की वैलिडिटी आपको फ्री मिल रही है, अदरवाइज ये 12 मंथ की वैलिडिटी देते हैं जस्ट फॉर ₹399, राइट माय डियर? मेगा सेल ऑफर है 24 आवर्स के लिए, इसका फायदा जरूर उठाएं. इन एडिशन टू दैट आई वांट टू लेट यू नो, मतलब मैं कुछ आंकड़े बता दूं आपको. टेस्ट बुक पास के जिसमें 400 से ज्यादा एग्जाम्स का कॉम्बो है, राइट माय डियर, आप देख रहे हैं एक्टिव यूजर्स कितने हैं टेस्ट बुक के पास के, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं आप, टेस्ट कितने लोग अटेम्प्ट कर सकते, कितनी अटेम्प्ट हो चुकी है, राइट? मॉक टेस्ट भी देख पा रहे होंगे. इन एडिशन टू दैट अगर मैं जेई एग्जाम की बात करूँ, खासकर टेक्निकल सेगमेंट की बात करूँ, तो जेई एग्जाम्स के लिए आप देख रहे होंगे 4,77,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स है. ये सर स्टूडेंट से मुझे क्या लेना देना है, मैं बताऊँ कि जो आपकी रैंक दिखाएगा इट इज अमॉन्ग दीज पीपल, राइट? सो डेफिनेटली क्रॉस स्टैंडर्ड मैच करेगा एज द एक्चुअल एग्जामिनेशन. प्री टेस्ट मिलेंगी 65 और माय डियर टोटल टेस्ट कितनी है 857, राइट? व्हाइल एनरोलमेंट माय डियर, जब आप पास ले रहे होंगे तो आप इस पास के लिए बाय करने के लिए आप मेरा कोड DSD पास लगा सकते हैं, सो दैट आपको फ्लैट 30% का ऑफ मिलता है उसमें. अगर गेट एग्जाम की बात करूं तो सेम थिंग दिख रहा होगा, 4 लाख प्लस, ऑलमोस्ट 4,50,000 स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड विद अ टेस्ट बुक पास. एंड माय डियर अगेन सेम थिंग, दैट इज व्हाट कि आप जब एनरोल करा रहे होंगे तो यू कैन यूज माय कोड DSD पास, सो दैट यू हैव फ्लैट 30% डिस्काउंट, ताकि 399 जो प्राइस है उसमें 30% ऑफ हो जाए. कोड क्या लगाना है, DSD पास, राइट माय डियर? और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो माय डियर दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दैट इज व्हाट टेलीग्राम ग्रुप, टाइटल क्या है टेलीग्राम ग्रुप का, धीरज_टेस्टबुक, जिसमें मैं डेली बेसिस पे आपको देता हूँ YT PDF की लिंक. अनदर थिंग, YT सेशंस की लिंक्स भी मिलती है, क्विजेस मिलती हैं, और जो डाउट डिस्कशन हो रहा होता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. इन एडिशन टू दैट अगर आपके मन में कोई सवाल है, राइट, सो डेफिनेटली आप उस तक पहुंचा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप, माय डियर, राइट? सो बच्चा पार्टी, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर सेशन, शुरू करें फिर. यस, आई कैन सी फ्यू पीपल हैव ऑलरेडी जॉइंड, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एंड माय डियर, यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग योर लाइक, जितने लोग देख रहे हैं सबके साथ अपनी अटेंडेंस को मार्क कर देंगे, राइट? यस और नो माय डियर, अटेंडेंस को मार्क करना बिल्कुल ना भूले आप सभी लोग. सो आई डियर हियर वी गो, चले फिर, चल स्टार्ट नाउ, बोलो भाई यस और नो बच्चा पार्टी, प्लीज बी फास्ट, एक बार बोलो, एक बार थम्स अप करके बताना कि हाँ सर चालू करना है, सो दैट आई विल स्टार्ट माय डियर फ्रॉम माय एंड, बोलो जल्दी से यस और नो बच्चा पार्टी, प्लीज बी फास्ट, जल्दी बोलेंगे आप लोग. यस और नो, और माय डियर मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको चैट बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपको कोई कोर्सेज का इंक्वायरी है या कुछ आप वो कराना चाहते हैं तो माय डियर यू कैन जस्ट फिल दिस गूगल फॉर्म, मैंने आपको चैट बॉक्स में डाल दिया. हियर वी गो माय डियर, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, राइट? चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन, जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होता है वो किस पे डिपेंड होता है? सो माय डियर चेंज इन वॉल्यूम में तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वी नो दैट DS इज व्हाट माय डियर, DS is what beta, dQ by T plus entropy generation. So I'll suggest dQ पे ज़्यादा depend करेगा. That is what my dear, transfer of heat पे. किस पे? Transfer of heat पे. Vineet Mishra, most welcome dear. So I hope you got it. DS is equal to dQ by T plus entropy generation होता है. तो sir dQ by T, that is what. Third is the right option. Very good. Heat transfer sir बना. धनंजय, very good. Here we go for the next one. See. For a spring loaded governor, the controlling force curve is governed by the equation F is equal to AR minus B, where R is the radius of rotation
of a balls, A and B, are constant. The A and B क्या है? Constant है. The governor can be categorized as. So my dear, आप जानते हैं for stable governor. क्या है? That is what df by dr should be greater than from f by r. F क्या होता है बेटा? ये F होता है सर, m r omega square divided by r. तो ये जाएगा गुजर, मतलब m omega square. So right. So my dear, option कौन सा होगा बताएंगे जल्दी से. Please be fast बच्चा पढ़ो. तो अगर equation क्या है my dear? ar minus b है, देख रहे हो? हाँ या ना? बिल्कुल my dear. So यहाँ पे देख पा रहे होंगे, that is what my dear, ar minus b. So definitely कौन सा होगा ar minus b? हाँ जी बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा स्टेबल, ये हो जाएगा fc is equal to ar minus b. ये होता है स्टेबल का, राइट? अनस्टेबल का क्या होता है? f is equal to ar plus b. आइसोक्रोनस का क्या होता है? f is equal to ar. क्या बात समझ पाए? वेरी गुड, स्टेबल, स्टेबल. चलो भाई आगे चलते, देखो नेक्स्ट. इन केस ऑफ अ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर की पार्शियल बैलेंसिंग की है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टर्बिंग फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक. तो लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग जो प्राइमरी डिस्टर्बिंग फोर्स होगा वो कौन सा होगा? ये जो चारों ऑप्शन में से दिया है, तो माय डियर एक है इसमें से, कौन सा होगा बेटा? जल्दी बी पास माय डियर. हां, प्राइमरी एंगल लाइन ऑफ स्ट्रोक, लाइन ऑफ स्ट्रोक माय डियर, कैन यू प्लीज लेट मी नो. सो माय डियर ये होगा हैमर ब्लो, राइट? यस और नो? यस और नो माय डियर. तो डेफिनेटली यहां पे कौन सा आएगा बोलो भाई? यस और नो माय डियर. बच्चा पार्टी प्लीज बी फास्ट, जल्दी बताएंगे कौन सा स्ट्रोक आएगा. डेफिनेटली हैमर ब्लो होगा. तो नन अदर देन माय डियर 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस, ये हो जाएगा बेटा. ये स्क्वायर है, टू नहीं है, ये थर्ड में, ये स्क्वायर में है. कीप इन माइंड दिस थिंग, ये 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, राइट? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. सर्वना चेक आउट योर आंसर माय डियर. सर्वना कैन यू प्लीज चेक? वेरी गुड, द थर्ड वन इज राइट वन. कार्तिक वेरी गुड. हियर आई गो फॉर द नेक्स्ट वन. चलिए आगे, बोलते रहो. अरे हैमर ब्लो होगा राइट ना, क्योंकि अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक है बेटा. यस और नो? हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. देखो ध्यान से भी, देखो कैलकुलेट कास्टिंग यील्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ कास्टिंग ऑफ साइज 400 मल्टीप्लाई बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 250 mm ऑफ मटेरियल हैविंग डेंसिटी गिवन. ओके, द मोल्टन mass pass into the casting is 274 kg. Molten mass is also given, my dear. So how we can find out? Please let me know, my dear. How we can find out? Bacha party, please be fast. How we can find out? So casting yield क्या होता है बेटा? So casting yield, that is what CY. Let me write. Casting yield. इस formula को mark कर लीजिएगा. That is what, my dear. It is nothing but mass of casting. Mass of casting to the mass of material supply. ठीक है, mass of material supply. तो my dear, mass of casting कैसे calculate करेंगे? हाँ जी बच्चा पार्टी, please be fast. देखो ध्यान से. How we can? Yes my dear, please be fast. मास ऑफ मटेरियल तो आपको दिया हुआ है 274 डायरेक्ट. मास ऑफ कास्टिंग, दैट इज व्हाट माय डियर, वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, राइट? तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले. सो इट शुड बी लाइक दिस वन माय डियर, दैट इज व्हाट 76. अब ये 76 दिख रहा है, रो दिख रहा है? यस और नो बच्चा पार्टी, मल्टीप्लाई बाय, ये है एमएम में, मीटर में है, इसको कर लो मीटर में. दैट इज व्हाट माय डियर 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 270. कितना आएगा ये? 0.97. राइट, 0.97. क्या ये बात समझ में आई?
Yes or no, my dear? 0.97. Very good evening, Beni. You're most welcome. That is 0.97. Here we go. Shall we go now? Chalo, my dear. I hope you got the casting yard. Casting yard is nothing but what, my dear? The mass of casting divided by the mass of material supplied. That's it. Simple. Very good. Here I go for next. The relationship between relationship dp by dx is equal to ds gz by dy is valid for. It is still a valid, my dear. Please be fast. It is valid for what, my dear? Bolo bhaiya. Irrotational flow? Yes or no? My dear, ye kya on dp by ds is equal to dz by dy. It is possible only for the irrotational flow, my dear. Simply one liner. Dhananjay Mule, okay. Here I go for next one. See, जितने भी लोग आ रहे हैं सबके सब लाइक करते जाएंगे सेशन को, राइट? हियर आई गो माय डियर. देखो सरफेस इम्परफेक्शन व्हिच सेपरेट्स टू ओरिएंटेशन दैट आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर इज कॉल्ड माय डियर. क्या बोलेंगे इसको? ट्विन बाउंड्री बोलेंगे. ट्विन बाउंड्री क्या होगा बेटा? ये ट्विन बाउंड्री होगा, स्टैकिंग फॉल्ट नहीं होगा, राइट ना? यस और नो आइडिया? इट इज गोइंग टू बी अ ट्विन बाउंड्री. जब मिरर इमेज आता है सो इट इज अ ट्विन बाउंड्री, माय डियर. एम आई करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट. वेरी गुड. हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन. चलो आगे. शैल आई गो फॉर द नेक्स्ट वन? ट्विन बाउंड्री. वेरी गुड सर. हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन. सी, स्क्वायर प्लेन सरफेस 4 मीटर वाइड 4 मीटर डीप, 4 मीटर चौड़ा 4 मीटर गहरा. इट लाइज इन अ वर्टिकल, इट लाइज in a vertical plane in a water and its upper edge is horizontal and coincide with water surface. ठीक है. Estimate the total pressure on the plane. Estimate the total pressure on the plane. So my dear, total pressure on the plane, how we can find out? Yes, बच्चा पढ़ी. We how we can find out total pressure on the plane, my dear? That is very simple. है कि नहीं simple? बोलो भाई. Yes or no? रोजी ए एक्स ना? यस और नो माय डियर? सो दैट इज इक्वल टू रोजी ए एक्स बार. सो माय डियर क्या जाएगा ये? बोलो बच्चा बट इट इज गोइंग टू बी 1000 × 9.81 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 4 × 4 है ना? यस और नो माय डियर? यस. अभी x बार क्या होगा? x बार इज नथिंग बट व्हाट माय डियर? डिस्टेंस दैट इज व्हाट? h/2 मतलब 4/2 दैट इज 2. कितना जाएगा माय डियर? ये आ जाएगा सर 313920, राइट? 3920 न्यूटन. ठीक है, ये हो जाएगा 313.92 किलो न्यूटन. ठीक है माय डियर, ये हो जाएगा 314 नियर बाय. राइट, वेरी गुड. ऑप्शन नंबर 4 आया. बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, चलो माय डियर. देखो यहां पूछा था प्रेशर, लेकिन यूनिट किस में दिया? फोर्स टाइप, राइट? फोर्स ही है एक्चुअली. द मैक्सिमम रिडक्शन इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर पास आर ऑफ अ पोल्ड वायर ड्राइंग प्रोसेस इज दिस वन. मतलब ऑलरेडी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ. वेयर एन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट फॉर केस ऑफ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल. R is, क्या पूछ रहा है? फोर केस ऑफ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, मतलब जो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल होगा उसके लिए R की वैल्यू क्या होगी ये आप बताएंगे, राइट? सो माय डियर, हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस? कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चा पार्टी? प्लीज बी फास्ट. तो आप जानते हैं यहाँ पे उन्होंने एक चीज और बोली है, वेयर एन रिप्रेजेंट स्ट्रेन हार्डनिंग. तो माय डियर, स्ट्रेन हार्डनिंग परफेक्टली प्लास्टिक में क्या होगी? जीरो. अरे बोलो भैया, जीरो ना? बिल्कुल जीरो होगी, दैट इज जीरो. ठीक है, तो माय डियर अब देखो क्या हो जाएगा, ये R इज इक्वल टू 1 − e^-1 है या ना? यही होगा बेटा. सो डेफिनेटली 1, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1 − 1/e, दैट इज नन अदर देन 2.718. ये होगा 2.718 जो कि हो जाएगा माय डियर नन अदर देन किसके? 0.622 के बराबर. या तो और एक मेथड है. कैसा? वो आपके लिए पूरा जो है, हम लोग इनिशियल एरिया जो रेशियो लेते हैं, व्हाट माय डियर? सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इनटू एलएन ऑफ ए नॉट बाय ए फाइनल, दैट इज इनिशियल एरिया अपॉन फाइनल एरिया, उससे भी निकाल सकते हैं. ठीक है,
Yes or no, my dear? Hmm. अरे यार ये बताओ, 1 - 1/e क्या आएगा? ये 0.632 आएगा, ठीक है ना? तो आंसर क्या लिख ले यहाँ पे? 4 नहीं लिखोगे? डाउट है किसी को तो पूछो इसमें, किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। यस और नो माय डियर, प्लीज बी फास्ट माय डियर। किसी को डाउट है प्लीज आस्क, अगर डाउट है तो, नहीं है तो, नहीं है तो फिर बताओ। ओके, अब यहां पे कोई एन जीरो की लेने के लिए, अगर एन इक्वल टू वन ले लिया तो इसकी वैल्यू 0.865 आ जाएगी। आपको याद रखना चाहिए कि परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल बोला होता, परफेक्टली इलास्टिक बोला होता तो एन इक्वल टू वन आता और इसके लिए जो वैल्यू आती आर की, वो आर की वैल्यू आती 0.865। लेकिन परफेक्टली प्लास्टिक बोला था उसके लिए एन की वैल्यू जीरो होती, राइट? एन इज इक्वल टू वन, ठीक है? अदर मटेरियल, अरे भैया वो सिर्फ यही पूछेगा, तीन ही केस बनेंगे, इलास्टिक और प्लास्टिक बस। द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू, सपोज तुम्हें बोला कि नहीं सर इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है, परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं है, सिर्फ दिया है तो उस टाइम पे माइंड यार वो एन की वैल्यू लेस देन वन रहेगी, वो मेंशन करेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज हेल्ड कॉन्स्टेंट इज नोन एज, क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट इज नोन एज, माय डियर कैन यू प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस थिंग। हाँ जी बच्चा बाटी, फिर क्या बोला जाता है, बोलो भाई। देखो ध्यान से, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या कहलाएगा? ये सीपी नहीं कहलाएगा। एच इज इक्वल टू क्या लिखते हो? सीपी इंटू टी लिखते हो, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dH by dT is equal to CP, कब? जब प्रेशर कांस्टेंट था। माय डियर सीपी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। अगर यही बोला होता रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट माय डियर इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान रखना अगर दे सेड कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज, ये सीवी होगा, बिकॉज यू नो दैट V इज इक्वल टू सीवी टी। तो बेटा du by dt क्या होगा? सर dv by dt ये होगा, राइट? मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वेरी गुड। शैल आई गो हियर? देखो ध्यान से, टम्बलिंग इज डन टू, जो टम्बलिंग करते हैं वो किस लिए करते हैं माय डियर? व्हाई वी डू टम्बलिंग? तो टम्बलिंग इज जस्ट फॉर व्हाट माय डियर? क्लीनिंग द कास्टिंग। क्या करते हैं? तो क्लीनिंग द कास्टिंग माय डियर, राइट? सो डेफिनेटली यू कैन से दिस क्लीन अप द कास्टिंग, टम्बलिंग, राइट? निकल गई कुमकुम दुबे, बिल्कुल निकल गई है, डेट ऑलरेडी निकल चुकी है कुमकुम जी, अभी तो पेपर की डेट आ गई है, इसको पेपर है इसका, मतलब दो तीन दिन में। A household refrigerator has only 2 kg of apples inside there, inside, and their initial temperature 25. It is desirable to cool them to 5 degree. ठीक है, उनको 5 degree पर cool करना है. The specific heat of apples can be assumed at 4 kilojoule per kg degree centigrade. With the COP of refrigerator 2, then power required will be. तो my dear, power कितनी लगेगी? ये आप बताएंगे, right? How we can find out this, my dear? कैसे sort out करेंगे इसको? देखो ध्यान से, बड़ी simple तरीका है. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा माय डियर, दैट इज नथिंग बट एम सी पी डेल्टा टी के बराबर होगा, बिल्कुल सर। तो कितना है? 2 किलो है। अरे कितना है भाई? ये 2 दिया हुआ है, स्पेसिफिक 4 दी हुई है, और डेल्टा टी कितना है? 25 से 5 पे लाना है, मतलब 20 होगा। मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिख दिया हूँ, 40 4 4 16, राइट? 160 आ गया। कितना आ गया बेटा? 160, ठीक है। अब माय डियर अगर मुझे सीओपी फाइंड आउट करना है तो सर आपने बचपन में पढ़ा था आर ई अपॉन डब्ल्यू होता है, तो ये 160 और डब्ल्यू कितना बेटा? डब्ल्यू नहीं दिया, डब्ल्यू दिया हो 2 केजी ऑफ डब्ल्यू, वी हैव टू द पावर, सीओपी दिया हुआ है, राइट? सीओपी दिया हुआ है, डब्ल्यू अभी हैव टू फाइंड आउट, ये 2 दिया हुआ है, तो डेफिनेट डब्ल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 160 अपॉन 2, दैट इज 80। कितना? बड़ा सिंपल,
बड़ा सिंपल क्वेश्चन है माय डियर, यस और नो ऑल ऑफ यू, प्लीज बी फास्ट एवरीबॉडी, शैल वी गो अहेड नाउ, हियर वी गो। आर यूज फॉर विड्रॉइंग पैटर्न्स फ्रॉम द माउथ, क्या यूज होता है बेटा, ड्रॉ स्पाइक्स, वेंट वायर, स्लिक्स या रिडल्स। सो माय डियर वी आर जस्ट टू ड्रॉइंग आउट, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज व्हाट माय डियर, ड्रॉ स्पाइक्स, क्या यूज करेंगे बेटा, ड्रॉ स्पाइक्स वी आर गोइंग टू यूज, राइट माय डियर, हियर दैट इज वी आर गोइंग टू ड्रॉ स्पाइक्स। कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज रिडल्स, रिडल्स क्या होती है, कैन यू प्लीज लेट मी नो माय डियर। इसको हम यूज करते हैं माय डियर फॉर रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। वेंट वायर किसने यूज करते हैं माय डियर, ये हम यूज करते हैं टू मेक अ स्मॉल होल सो दैट जो गैसेस है वो बाहर आके वेंटिलेशन मिल सके, राइट। स्लिक्स माय डियर, स्लिक्स किस लिए यूज होती है, कैन यू प्लीज लेट मी नो, यस और नो, यस और नो माय डियर, इट इज फॉर, इट इज अ रिपेयरिंग माउल्ड माय डियर, इट इज फॉर रिपेयरिंग माउल्ड, स्लिक्स, वेरी गुड, ओके, हियर वी गो, देखो ध्यान से, एक्सोड इज ऑल्सो नोन एज, एक्सोड को हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, एक्सोड इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं एक्सोड को और माय डियर, एक्सोड इज नथिंग बट लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस, यस और नो माय डियर, लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस, यस और नो बच्चा पार्टी, प्लीज बी पास माय डियर, यस और नो, वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर, दैट इज नॉट ऑप्शन नंबर वन, देखो, फॉर सेम टाइप ऑफ शेप्स द वैल्यू ऑफ रेडिएशन सेफ फैक्टर विल बी हाइयर व्हेन सरफेसेस आर, आई रिपीट वंस अगेन, फॉर सेम टाइप ऑफ शेप द वैल्यू ऑफ रेडिएशन सेफ फैक्टर विल बी हाइयर व्हेन सरफेसेस आर माय डियर, क्या होंगे, ज्यादा फास्ट होंगे, ज्यादा दूर होंगे, क्या बच्चा बाटी प्लीज बी फास्ट, अगर आप चाहते हैं कि सरफेस ज्यादा हो, राइट, तो डेफिनेटली उन दोनों को पास रखना होगा। दूसरी चीज, अगर दोनों छोटे हुए तो बहुत कम होगा, लेकिन अगर दोनों बड़े हो गए तो बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब लार्जर होने चाहिए और उनको रखना होगा हमें क्लोजर, बिल्कुल सही है, यस और नो, हियर वी गो माय डियर, चेक इट आउट नाउ, नेक्स्ट वन, the wire drawing process, the bright shining surface on the wire is obtained if one, in a wire drawing process, the bright shining surface on the wire is obtained if one, not using a lubricant, low tooling cost, use thick paste lubricant, use thin fluid lubricant, my dear let me know, कौन सा correct होगा इसमें से, इसमें से कौन सा correct होगा बच्चा पार्टी, please be fast, I repeat once again, in a thin wire drawing process, the bright shining surface on the wire is obtained if one, utilizing what my dear, use thin fluid lubricant, that is option number, kya hoga option number, very good, option number, part 1 Rishav available hai, see channel ki isme dekhiye aap, mil jayega, part 1 is also available on the same channel, here we go, yes or no, samajh aa rahi na cheezein, आप ये बात याद रख लो, यहाँ पे टोटली जो क्वेश्चन है दैट इज टोटली फैक्चुअल बेस, अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पढ़ा तो नहीं पता होगा, कंसेप्चुअल कुछ है ही नहीं है, सब चीजें नॉर्मल है माय डियर, चले आगे, बोलो भाई यस और नो, हियर वी गो, देखो ध्यान से, देखो बच्चा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व ऑन टीएस टी एलएन ऑफ टी वर्सेस एलएन ऑफ टी, तो मैंने आपको बताया किससे पूछा है एडियाबेटिक का, तो एडियाबेटिक का इक्वेशन मैंने आपको बताया था, ये भी होता है राइट, टीवी रेस्ट टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू सी, करेक्ट, बोलो बताया था कि नहीं सर, बताया बताया था, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एल एन ऑफ टी प्लस गामा माइनस वन, एल एन ले लिया दोनों साइड मैंने डायरेक्ट कर दिया, गामा माइनस वन एल एन ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट माय डियर, एल एन ऑफ सी, कई दिमाग में घुसा, बिल्कुल घुस गया होगा, आई होप सो, सो बच्चा बाड़ी अब देखो ध्यान से, एल एन ऑफ टी माइनस वन माइनस गामा एल एन ऑफ बी इज इक्वल टू एल एन ऑफ सी, करेक्ट, अब देखो बच्चा बाड़ी मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं सर एल एन ऑफ t
is equal to none other than ln of C plus 1 minus gamma ln of V. Right? Yes or no? तो देखो ध्यान से, क्या क्या ये इक्वेशन ऐसी नहीं है, y is equal to y is equal to ln of C, तो my dear ये कांस्टेंट हो गया, ये हो गया m into x, और उसने क्या पूछा है, represent slope, slope is what my dear, m, m से कंपैरिजन करें तो ये हो जाएगा 1 minus gamma, right? Yes or no? So definitely, I hope both जो बोल रहे थे, first part available है Rishabh same channel पे, ठीक है? So my dear क्या हो जाएगा? आई होप ये बात समझ गए होंगे आप, ठीक है? चलूं आगे, shall I go ahead now? चले आगे, देखो ध्यान से. बढ़िया क्वेश्चन. Which are one of the following symbols are used to indicate square but weight? Square but weight अगर इंडिकेट कराना है, तो कौन किससे इंडिकेट कराओगे इसमें से जो दिया हुआ है? Square but weight. Please be fast. Square but weight. So definitely square but weight जो हम इंडिकेट कराते हैं वो इससे कराते हैं. किससे कराते हैं आइडिया? इससे. और ये कौन सा है आइडिया? ये स्क्वायर वी है. और ये वाला कौन सा है बेटा? सेकेंड वाला जो दिख रहा है, इट इज वॉट? ये भी स्क्वायर वी है विथ विथ क्या है बेटा? ब्रॉड रूट है. क्या है? ब्रॉड रूट फेस. और ये वाला है माय डियर यू है. यस और नो बच्चा पार्टी, प्लीज बी पास. ये कौन सा होगा? यू है, राइट? इट इज क्या दिमाग में घुसा? सिंगल यू बट, राइट? आई होप यू गॉट इट माय डियर. स्क्वायर वाला तो समझ गए सब. वेरी गुड, चलो आगे. हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन. सी, सभी का स्वागत है, राइट? Location of the maximum deflection for simply supported beam of span I having point load P at a distance from the right hand would be, I repeat once again, question dhyan se sunna. Location of a maximum deflection for a simply supported beam jiska span hai L having point load P at a distance from the right hand end would be, what my dear? Batayenge jaldi se bachche paate. Please be fast. Maximum deflection kya hoga my dear? Uska distance batana hai. How we can find out? Ajit Bachcha Party, please be fast. Yes or no? Distance of point P from the, what my dear? Right end of the maximum deflection condition will be equal to what my dear? L by 2? Yes or no Bachcha Party, please be fast. So, mera A kya ho jayega? A L by 2 hoga, right? Yes or no? So, just simply put the value and you will get the answer by dear. So, dekho dhyan se. L by 2 होना चाहिए. अब आपको देखना है कि इसमें L by 2 कहां से आ रहा है, राइट? यस और नो? देखो ध्यान से माय डियर, प्लीज चेक आउट. देखो ध्यान से, इसमें देखते हैं, A की वैल्यू L by 2 रख के देखते हैं, आंसर आना चाहिए. सो डेफिनेटली L square minus 1 minus L by 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट? यही है ना? तो देखो ध्यान से, ये तो स्क्वायर रूट में है. जब उसको निकालोगे तो ये L by 2 ही आएगा, राइट? देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम और स्पैन लेंथ L हैविंग पॉइंट लोड P एट अ डिस्टेंस P एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द राइट हैंड वुड बी व्हाट? माय डियर, सिंपली सपोर्टेड थी, हमें राइट हैंड से निकालना था, राइट? यस और नो माय डियर, प्लीज बी फास्ट. इट इज गोइंग टू बी, क्या होता है डिफ्लेक्शन? डिफ्लेक्शन हो जाएगा सर इसका PLV/48EIU, राइट? तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये ऐसे आता है, राइट ना? तो ये डिस्टेंस L by 2 होता है और ये भी डिस्टेंस L by 2 होता है ना? तो इसलिए हमने ये डिस्टेंस क्या ले लिया बेटा? A की वैल्यू L by 2 के, राइट? यस और नो? तो ऑप्शन क्या आएगा? यही आएगा, देखिएगा, यही आएगा माय डियर. बस यस और नो? यहां से भी आपको 1/2 ही मिलेगा, राइट? यहां से भी आंसर L by 2 ही मिलेगा, ठीक है? चले माय डियर, हियर देखो ध्यान से. कैपिलरी ट्यूब यूज एज अ एक्सपेंशन डिवाइस, कैपिलरी ट्यूब को एक्सपेंशन डिवाइस यूटिलाइज कर रहे हैं. इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल पे काम करती है?
कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है कैपिलैरिटी? माय डियर प्लीज बी फास्ट. सो डेफिनेटली माय डियर इट इज वर्क ऑन द फ्लो टू द पाइप विद द फ्रिक्शन कॉजिंग प्रेशर ड्रॉप. आइसोथर्मल एक्सपेंशन कॉजिंग प्रेशर ड्रॉप नहीं, फ्लो थ्रू पाइप होता है. सो डेफिनेटली देयर इज अ फ्रिक्शन ड्रॉप. राइट माय डियर, ऑप्शन नंबर 3 होगा. एडियाबेटिक एक्सपेंशन का ना थ्रॉटलिंग, नो थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन कॉजेस प्रेशर ड्रॉप, नो फ्लो थ्रू पाइप विद फ्रिक्शन कॉजिंग प्रेशर. नमा सिंगी पोर्ट कैसे हो? आई रिपीट, देखो सर क्या बोल रहा है. कैपिलरिटी यूज एज अ एक्सपेंशन डिवाइस इन द वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कौन, मतलब कैपिलरी ट्यूब ही कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है ये हमें बताना है. राइट, यस और नो? यस और नो ये बताना है. ओके, ऑप्शन 3 होगा, 3 होगा ऑप्शन. आई होप एवरीबडी गॉट इट. भाई बताओ जल्दी से, किसी को समझ आया नहीं आया जल्दी बताओ. हाँ आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आ गए लोग. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं. एन इंक्रीज इन पिनपिन इफेक्टिवनेस इज कॉज्ड बाय हाई वैल्यू. एन इंक्रीज इन पिनपिन इफेक्टिवनेस इज कॉज्ड बाय हाई वैल्यू ऑफ व्हाट माय डियर? जो पिनपिन है उसका इफेक्टिवनेस हाई होता है या बढ़ता है किसकी वैल्यू के कारण? कैन यू प्लीज लेट मी नो. तो देखो ध्यान से, इफेक्टिवनेस जो हम निकालते हैं दैट इज पिनपिन का, दैट इज व्हाट माय डियर, पीके अपॉन अंडर रूट ऑफ एच इनटू एसी. राइट, तो अब इसके बेसिस पे अगर आप रिलेशन निकालोगे तो माय डियर क्या होगा ऑप्शन, देखो जल्दी से. तो कन्वेक्टिव कोफिशिएंट के कारण इंक्रीजेस पिनपिन इज कॉज्ड बाय हाई वैल्यू. तो भाई इससे तो नहीं होगा, थर्मल कंडक्टिविटी से बिल्कुल होगा के ऊपर है. सेक्शनल एरिया या सेक्शनल एरिया नीचे, नो नो ये नहीं होगा. सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर, दैट इज राइट. 2 and 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4. वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर. हियर आई गो फॉर नेक्स्ट. देखो ध्यान से, नाउ चेक इट आउट, सी अगेन, ध्यान से देखो. दैट इज अब इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला, दैट इज वी हैव डायरेक्टली पुट द पिनपिन. सो डेफिनेटली पीके बाय एस इनटू प्रोफेशनल एरिया. सो डेफिनेटली इसको डायरेक्टली पुट क्वेश्चन होगी पेरीमीटर को. पेरीमीटर में, पेरीमीटर मींस व्हाट माय डियर? पेरीमीटर का मतलब ही है कि वो सर्कमफेरेंस, एंड दिस केस व्हाट, थर्मल कंडक्टिविटी. तो डेफिनेटली पी का वैल्यू बढ़ा दो या के का वैल्यू बढ़ा दो, डायरेक्टली बढ़ जाएगा. तो वही हमने चूज कर लिया है. मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक माय डियर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जगह माइनस एक जगह प्लस. राइट, सो माय डियर बताओ कहां माइनस कहां प्लस? तो सर जैसे नाम लिया वैसे माइनस वैसे प्लस. 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi, यही ऑप्शन. राइट, यस और नो? 1 minus sin phi 1 plus sin phi. राइट, हियर वी गो माय डियर. देखो ध्यान से, एक्चुअल सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर मैक्सिमम प्रेशर रेशियो इज द ऑर्डर. देखो ध्यान से, वो क्या पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम प्रेशर रेशियो होगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर उसकी वैल्यू कितनी रहेगी ये बताना. सेंट्रीफ्यूगल के लिए ध्यान रखिएगा. सो माय डियर कितनी होगी? 4:1 और व्हाट? बच्चा पार्टी जल्दी से बोलेंगे, आपको उसका रेशियो बताना है. तो माय डियर इट इज 4:1 होती है. राइट, यस और नो? राइट माय डियर, हियर आई गो. देखो ध्यान से, 4:1 होंगे, 4:1 होगा सेंट्रीफ्यूगल. ये बात दिमाग में घुस रही है नहीं घुस रही है? ठीक है, अभी आप ध्यान रखिएगा. ये एक्चुअली ना कभी कभी ना एग्जाम में, तो याद रखिएगा जिसका जो लेवल होता है ना, मतलब रेंज जो होती है 4:1 से लेके 5:1 तक होती है रेंज. ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, बिकॉज समटाइम्स पूछ भी लेता है एग्जाम. ओके, शैल आई गो अहेड? देखो ध्यान से, कंसिडर द फॉलोइंग. ठीक है, विच ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है माई डियर, तो बताना है आपको. देखो ध्यान से, एक्सटेंसिव मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मास पे डिपेंड करें. टेम्परेचर है क्या? बिल्कुल नहीं है सर. एंट्रोपी एंथैल्पी है, है. इंटरनल एनर्जी ये भी है सर. स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक जिसके आगे लग जाए वो क्या हो जाती है? इंटेंसिव, मतलब फोर्थ नहीं है. तो 2, 3 हो जाएगा राइट ऑप्शन. राइट, और अगर सपोज भी आपको राइट आंसर नहीं पता होता तो सर में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था. आपको तो ये पता है कि स्पेसिफिक वाला इंटेंसिव होता है, मतलब जिसमें फोर होगा वो गलत आंसर है. तो देखो फोर तीनों में है, फोर्थ वाले में नहीं है. ऐसे भी चूज कर सकते थे. Here I go for next one. देखो ध्यान से. ASME, ASME process chart. The symbol, this rectangle represents inspection
क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है इंस्पेक्शन, माय डियर। क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंस्पेक्शन, ठीक है। ये हो गया इंस्पेक्शन। ऑपरेशन के लिए सर्कल है, डिले के लिए ऐसा डी है, राइट। ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसा एरो, राइट। वेरी गुड, हियर वी गो। देखो ध्यान से, बीवल गियर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टीथ एंड इक्वल पिच एंगल्स कनेक्ट टू ऑर्थोगोनली इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, दिस सिस्टम ऑफ गियर्स इज नोन एज। आई रिपीट वंस अगेन, ध्यान से सुनिएगा। बीवल गियर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टीथ एंड इक्वल पिच एंगल्स कनेक्ट टू ऑर्थोगोनली इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, दिस सिस्टम ऑफ गियर इज नोन एज माइटर। क्या बोलेंगे बेटा? माइटर, मित्र गियर। माइटर क्या होगा माय डियर? माइटर गियर, माइटर गियर। शिवांग शर्मा, चेक इट आउट। हाँ, वेरी गुड शिवांग, प्लीज चेक आउट ऑल ऑफ यू। हियर वी गो, दैट इज व्हाट माइटर गियर होगा। ऑर्थोगोनली मतलब परपेंडिकुलर। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम हैविंग बोथ एंड फिक्स इज, जिसके बोथ एंड फिक्स हो तो उसका इक्विवेलेंट जो लेंथ होगा वो कितना होगा माय डियर, दैट यू हैव टू लेट मी नो। तो देखो, जब बोथ एंड हिंज होते हैं, फास्ट जल्दी बताएंगे क्या बोला है। बोथ एंड फिक्स हैं, तो अगर दोनों एंड फिक्स हैं तो माय डियर क्या होगी लेंथ? बोलो, अरे बोलो भैया, क्या हो जाएगी लेंथ? क्या हो जाएगी भैया? एल बाई टू होगी। ये बोथ एंड फिक्स, एल बाई फोर कब होती है बेटा? एल बाई फोर होती कभी? कभी नहीं होती बेटा, राइट। माय डियर वन एंड फिक्स अनदर, 12 कब होती है? 12 12 कब होगी बेटा? 2L, that is what, one end fixed, another end is free. 12 हो जाएगी one end fixed, other free. तब हो जाएगा 12, ठीक है। L by 2 तो बता ही दिया, अब अगर L पूछे तो ये दोनों एंड क्या होंगे? Both end hinge, ठीक है। Yes or no idea, क्या clear है? लेकिन एक बात याद रखना, जब वन एंड एक हिंज हो, वन एंड हिंज एंड अदर क्या हो? फिक्स हो, तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है बेटा? एल बाई रूट टू। क्या? एल बाई रूट टू, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन। देखो ध्यान से, The word Kanban is most appropriately associated with Kanban. What is, my dear, Kanban किससे associated है? बोलो my dear, yes or no? बेटा अभी पढ़ा था आपने, JIT से related है। किससे related है? JIT, that is what? Just in time, right? Kanban is a method to achieve just in time, right? JIT, right? Yes or no? And JIT stands for just in time, that I already told you. Okay? एंड पुल सिस्टम अप्रोच है। ये कैसा अप्रोच है? पुल सिस्टम अप्रोच है बेटा। जस्ट इन टाइम विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, हियर वी गो माय डियर, डू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने लोग देख रहे हैं अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करना। ओके, नाउ सी, इन अ रिवर्टेड गियर ट्रेन विथ फोर गियर्स, टू गियर्स पी एंड क्यू आर मशीन, क्यू एंड आर, क्यू आर इज कंपाउंड गियर, ओके, इज अ कंपाउंड गियर, व्हाइल आर एंड एस आर मशीन, the modulus of P and R, the modulus, the module, ये module होगा बेटा, ये modulus नहीं होगा, I don't think so it is a modulus, it is I think module, okay, so P and R 6 mm and 5 mm respectively, the number of teeth in P, Q, R are this respectively, number of teeth in gear S, तो gear S में कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले तो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो देखो, पहले देखो ध्यान से, पहले यहां लगा हुआ है P, ठीक है, इससे मेशर कौन माय डियर? Q, यही बोला है ना, देखते चलो P, ये Q, अब Q को कौन चला रहा है? देखो यहां पे दूसरा चीज बोला गया है हमें, दैट इज अ क्यू आर इज कंपाउंड, तो माय डियर यहां से कौन चलेगा? यहां से चलेगा सर, इस गियर से कौन चलेगा बेटा? इससे चलेगा सर आर, ये हो गया आर, आर बड़ा रहे, उसके बाद यहां पे कौन है?
राइट माय डियर, यहाँ पे एस लगा, ये एस हो गया, ये आर हो गया, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, यहाँ पे भी शार्प होगा राइट, क्या ये बात समझ में, ये डायग्राम समझ में आ गई, अगर ये डायग्राम समझ में आ गई तो माय डियर लेट मी नो इन द क्लास। तो जो जनरल कंसेप्ट है तो उसको क्या बोलेंगे माय डियर, हम बोलेंगे dp plus dq is equal to none other than dr plus ds, राइट, यस और नो बच्चा, यही बोलेंगे। कहने का मतलब है यहां से मॉड्यूल, आप मॉड्यूल कॉमन निकाल लीजिएगा आप, राइट, यस और नो, अरे बोलो भाई, राइट, mp, दैट इज व्हाट माय डियर, dp plus, क्योंकि मॉड्यूल इक्वल हो जाएगा ना p का भी और q का भी, क्योंकि q p और q मेश में है तो मॉड्यूल इनके इक्वल होंगे, so dp dq is equal to none other than r, ऐसे तो यहां पे मॉड्यूल ऑफ r a t r plus ts हो जाएगा, राइट, मॉड्यूल इक्वल होता है जो गियर मेश कर, ये बात आप पढ़ने रखिए आप, राइट, देखो 624 plus 36 is equal to mr 5 दिया हुआ है, mr 5 ये है 40 और ts हमें फाइंड आउट, क्या यहां से ts नहीं निकल जाएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, और ये आएगा बेटा 32, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है देखो अब दिखाई दे रहा है, यस और नो माय डियर प्लीज बी फास्ट, यस और नो माय डियर प्लीज बी फास्ट, वेरी गुड, 32 आ जाएगा आंसर, राइट, हियर वी गो माय डियर टू द नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लीकेबल टू अ परफेक्ट गैस विल आल्सो बी ट्रू फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is applicable to a perfect gas will also be applicable for an irreversible process, my dear आपने TDS equation दो पढ़े हैं और दूसरा कौन सा पढ़ा है बेटा, ये जब हम दोनों को equation को derive करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों जो process होंगी वो reversible, but these are applicable for reversible as well as for irreversible process, तो आंसर क्या निकलेगा बेटा यार, सर आंसर निकल जाएगा TDS is equal to dv plus pv, ठीक है, दूसरा वाला तो दिया नहीं है, ठीक है, here we go, forces acts along its line of action and makes no change of if its act from a different point on its line of action on the rigid body, this is the statement of, I repeat once again, listen the question very carefully, force act along its line of action and makes no change if it acts from different point on its line of action on the rigid body. This statement is known as my. This statement is known as law of transmissibility of forces. Yes or no? यही है law of transmissibility of forces. So definitely option क्या हो जाएगा? A हो जाएगा. क्या हो जाएगा? A A. Yes or no? कि वेरी कौन आप जानते हैं? लाइनेज आप जानते हैं? Law of parallelogram आप जानते हैं? बच्चा पार्टी प्लीज बी फास्ट, अभी कमेंट्स सेक्शन में सिर्फ आप आंसर कमेंट करें, कोई करने वो 70-80 क्वेश्चंस हैं उनको अगर यहाँ पे भिड़ूंगा फिर ये एक्सप्लेनेशन रह जाएगा, राइट, तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ विषय की, आज समझने की कोशिश करो, राइट, सो माय डियर लेट मी नो, अभी भी आपने कुछ क्वेरी भेजी है उसको मैंने स्किप कर दिया, प्लीज बी फास्ट माय डियर, बताएंगे फ्लेक्सिबल कपलिंग कौन सी है इसमें से, तो बेटा बूस्ट पिन टाइप कपलिंग जो होती है दैट इज अ फ्लेक्सिबल कपलिंग, राइट, यस और नो, मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लेक्सिबल कपलिंग, स्लिप कपलिंग, प्लैंक्स कपलिंग, बूस्ट पिन टाइप, माय डियर बूस्ट पिन टाइप होगा, राइट, हियर वी गो, a small block of weight 5 kg allowed to slide down a smooth inclined plane with a 30 degree angle, ठीक है, of inclination. What is the velocity of a body after traveling a distance of 50 meter along the plane? 50 meter travel करने के बाद में velocity जो होगी block की वो क्या होगी ये आपको बताना है. How we can calculate बच्चा पार्टी? How we can calculate my dear? Please be fast. Yes or no? देखो the answer. वैसे सरफेस बना लो सीधे सीधे, ये 30 डिग्री, ये ब्लॉक आपका, राइट, ये सब हम आइडिया, देखो ध्यान से, ये जो फोर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी नन अदर देन एमजी साइन 30,
और इसके जो नॉर्मल आएगा दैट इज गोइंग टू बी एम जी कॉस ऑफ थीटा। क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है माय डियर, अगर ये क्लियर है तो बच्चा पार्टी अब देखो ध्यान से, ए इज इक्वल टू क्या होगा, आपने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू सर एम ए होता है, ए इज इक्वल टू होगा एफ बाय एम, राइट राइट। अब एफ क्या होगा, ये एफ इधर लगेगा ना, एफ हो जाएगा सर एम जी साइन थीटा के बराबर, मतलब साइन ऑफ 30 के बराबर। नीचे क्या हो जाएगा, एम एम जाएगा गुजर, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जी साइन ऑफ 30। ये बात दिमाग में घुसी, ये बात दिमाग में घुसी, राइट। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो, बोला है स्मूथ इन लाइन प्लेन, स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो, स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो, दिमाग में डालो इस बात को, छोटी छोटी चीजें छोड़ोगे परेशान हो जाओगे, आंसर नहीं है, ठीक है माय डियर। अब बात समझिए, अब न्यूटन्स लॉ यूज करते हैं जिसमें हमने पता पढ़ा है दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, क्या ये पढ़ा है हमने? सर बिल्कुल पढ़ा, राइट माय डियर। अब देखिए ध्यान से, तो सर वी स्क्वायर ये तो मेरा जीरो क्योंकि व्यस्त से था, टू इन टू वॉट माई डियर, जी मतलब 9.81 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस आपको दिया है 50, राइट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 21.4 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, 22.14 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। शैल आई गो नाउ, चले यार नहीं आइए, हियर वी गो। सिलेबस में दिया होगा तो सब आएगा, सिलेबस में दिया होगा तो सब आएगा। द वैल्यू ऑफ पॉइजनस रेशियो ऑफ द मटेरियल लाई बिटवीन, द वैल्यू ऑफ पॉइजनस रेशियो, पॉइजनस मतलब म्यू की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो से वन के बीच होती है कि जीरो से 0.5 के बीच होती है, पॉइजनस रेशियो की वैल्यू माई डियर, तो माई डियर म्यू की वैल्यू वैरी होती है सर जीरो टू मतलब जीरो से हाफ के बीच, 0.5 मतलब हाफ, राइट ये सर नो, 0.5 मतलब हाफ, सिंपल है, वन राइट रहेगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर वन भी तो सही है सब। चलो आगे देखो ध्यान से, इन कोइंसी बिल्डिंग है बताना, प्रोसेस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटरी माय डियर, अल्ट्रासोनिक, कौन है अल्ट्रासोनिक, क्या होती है अल्ट्रासोनिक ही है ना, अरे माय डियर प्लीज बी पास, अल्ट्रासोनिक ही है कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा मैं आपको बोलूं, जो अल्ट्रासोनिक में जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है क्या माय डियर, फ्रीक्वेंसी जो रेंज होगी वो फ्रीक्वेंसी रेंज, अगर आपसे कभी पूछे तो ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासोनिक में फ्रीक्वेंसी जो होती है उस रेंज की होती है माय डियर, ठीक है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी का भी पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्रीक्वेंसी बताइए अल्ट्रासोनिक में कितनी होती है, तो उस टाइम पे यू शुड से लाइक 20 से 40 के बीच में होती है सर, क्या होती है बेटा 20 से 50 के बीच में। चला ही ना, चले आगे, चले कि नहीं बोलो भाई, देखो ध्यान से, ये भी वेरी गुड वेरी गुड। तो 20,000 से लेके 40,000 के बीच, देखो ध्यान से, नॉट सेंसिटिविटी क्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फटिक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर केएफ एंड थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर दैट इज के टी। तो माय डियर क्या लिखते हैं हम लोग, क्यू इज इक्वल टू के एफ माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन, हाँ या ना बच्चा पार्टी बोलो जल्दी से, यही लिखते हैं, ऑप्शन नंबर टू निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलो, ऑप्शन नंबर टू निकल जाएगा सर, राइट यस और नो माय डियर प्लीज लीव पास, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर टू निकल जाएगा, वेरी गुड, सबके आंसर देखना, फायदा होगा आपको इसका डेफिनेटली फॉर श्योर। ऑयल इंडिया में हीट इंजन विच वायलेट द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज नोन एज माय डियर, जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट्स का स्टेटमेंट वो क्या करता है बेटा, डिसएग्री करता है, दैट इज व्हाट ये वायलेट करता है, पीएमएम2 पीएमएम1 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये किसको है बेटा, ये फर्स्ट लॉ को है, राइट ना, राइट यस और नो, पीएमएम2 कहता है कि एफिशिएंसी 100% होगी, राइट। PMM2 क्या है, PMM2 ये है बेटा, ये इंजन है, तो यहां पे बोलता है हीट रिजेक्टेड विल बी जीरो, और यहां से QS, यहां पे W दैट इज इक्वल टू QS, मेरी बात समझे आप, ये बता रहा है ये कौन है बेटा, ये PMM2 है, राइट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट, देखो ध्यान से, चलो भाई
ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्लियर है? Which of the following is not true with regard to an economizer in a steam boiler? Economizer से related कौन सा statement यहाँ पे सही नहीं है? It preheat feed water. It is used for recovery of heat from flue gases. That is also right. It gives increased boiler efficiency. It produces superheated steam. Superheated steam नहीं produce करता है. यही गलत statement. गलत statement क्या है? Superheated steam will be produced by the superheater. Right? Definitely option number 4 गलत होगा my dear. Yes or no? बाकी सब तीनों सही है. हाँ या ना? Please be fast. चले आगे. Yes or no? My dear, please be fast. Answer करें इसका. Fourth होगा right. विनीत मिश्रा जी बस कर रहे हैं. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Yes. बोरा साहब, कुमार, धनंजय, शर्वना, कार्तिक, अविनाश, विनीत, सॉम, ऋषभ. What is the answer of this question? Yes, हो गए सब लोग. Here we go. See, स्कॉट रसेल मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, जो स्कॉट रसेल मैकेनिज्म होता है उसमें कौन सी पेयर्स होती है ये बताओ. स्कॉट रसेल में माइडी, प्लीज बी फास्ट. स्कॉट रसेल में दैट इज नन अदर देन बेटा स्लाइडिंग भी होती है और टर्निंग भी होती है. स्लाइडिंग टर्निंग बोथ होती है उसमें. वेरी गुड. ऑप्शन नंबर 4 आप बताया लोगों ने. जल्दी बताया करो ना, आपको इतना डाउट क्यों होता है. Here we go. देखो ध्यान से. The transport of heat by natural circulation of water does not takes place in which boiler? The transport of heat by natural circulation of water does not takes place in which of the boiler? Lancashire, that means natural convection किस में नहीं होगा? So that is Lancashire boiler, Babcock Wilcox boiler, Cochran boiler, Lamont boiler. इसमें नहीं होगा my dear. So my dear, let me know. Yes, so my dear. You know that fire tube, Lamont boiler, fire tube, जितने भी boiler होते हैं सब में क्या होता है natural compression. Lancashire fire tube, ये भी fire tube, ये water tube और ये water. इसमें tubes incline होती हैं, आपको पता है Lamont इसमें, मैं आपको बिल्कुल. तो इसमें भी natural convection होता है. बस्ता कौन सा है? Lamont. तो answer क्या हो जाएगा? Lamont. Fire tube कोई भी boiler रहेगा उसमें natural convection होगा. इस बात को दिमाग में उतार लें अच्छे से. ठीक है, हियर वी गो. लेमन बॉयलर हो जाएगा. बैकपॉक और बिल्कॉक्स में इंक्लाइन होती है वैसे. तो ये सिर्फ नेचुरल कन्वेक्शन के लिए दिया होता है. विथ रिस्पेक्ट टू हेड लॉस ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट. इसमें से हेड लॉस के लिए जो सबसे सही स्टेटमेंट होगा उसको चूज करके आपको बताना है. विथ रिस्पेक्ट टू हेड लॉस ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट माय डियर, लेट मी नो. So it should be energy loss is not caused by change in velocity. Increase in velocity in flow induces large scale turbulence. Kya option number 2 sahi hai? Please be fast. Yes or no? Please be fast. Aap jante hain ki delta H is equal to FLV square upon what my dear? Twice G into D. Correct? Yes or no? Please be fast. So definitely, अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो टर्बुलेंट इंक्रीज होगा. सो दैट इज व्हाट माय डियर, इंक्रीज इन वेलोसिटी इन अ फ्लो इंड्यूसेस लास्ट स्केल टर्बुलेंस. दैट इज द ऑप्शन राइट. ऑप्शन 2 होगा, 3 नहीं होगा. प्लीज चेक आउट. इट इज ऑप्शन नंबर 2 नॉट 3. प्लीज चेक आउट माय डियर. हियर आई गो फॉर नेक्स्ट. सी, आफ्टर विच ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डज मेटल कटिंग स्टार्ट. My dear, please be fast. Metal cutting कब start होती है? After which point of the stress strain diagram does the metal cutting start? So definitely fracture point के बाद my dear, okay. Fracture point के बाद ही तो start होगा cutting metal का. उसके पहले थोड़ी होगा, right? It is the obvious answer, my dear. इस question का बहुत आसान वो था answer, right? Simple सा logic लगाना था. If we can correlate the toughness with this. Here we go. L point कैसे हो जाएगा यार? लक्ष्य ज्योति, please check out. Type of stress that cause dilation is known as my dear. The type of stresses that cause dilation is known as my dear. Yes or no?
डायलेशन का मतलब है श्रिंकिंग या एनलार्जमेंट, श्रिंक कर जाना या एनलार्ज हो जाना ऑफ एनी एलिमेंट, उसको हम डायलेशन बोलते हैं। डायलेशन का मीनिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज व्हाट श्रिंक और एनलार्ज इज नोन एज थर्मोस्टेसिस, शियर स्ट्रेसेस, डेविएटोरिक स्ट्रेसेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस। प्लीज बी फास्ट। डेफिनेटली क्या होंगे, क्या होंगे, हाइड्रो 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 मेटल कटिंग पूछा था, दैट इज डेंजरस इन द डिफरेंट थिंग्स, तो बता मेटल कटिंग कब होगी। हियर वी गो, ड्यूरिंग लिमिट गेजिंग फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ड्यूरिंग लिमिट गेजिंग फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट माय डियर, कौन सा गेज यूटिलाइज करेंगे आप, प्लीज बी फास्ट माय डियर। तो देखो ध्यान से, नो गो प्लग गेज शुड नॉट एंटर द प्रोडक्ट, नो गो रिंग गेज शुड नॉट पास ओवर द सॉलिड। माय डियर कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, दोनों सही है क्या, यस और नो माय डियर। इफ गो प्लग गेज एंटर्स द होल एक्सेप्ट रहेगा, If no go plug gauge fails enter the hole to be accept रहेगा, right? And my dear, what my dear? If go plug gauge fails to enter तो reject हो जाएगा। अगर go gauge enter नहीं कर पाया, that is what? वो reject होगा lot। तो यहाँ पे option क्या निकल कर आएगा? यहाँ पे option निकल कर आएगा number 3। सब दोनों सही है, right? Option 1 लगा दिया। लोगों को, अरे भैया, no go plug gauge should not enter the product। और दूसरा है no, लेकिन क्या बोला है, ड्यूरिंग लिमिट गेजिंग बोला है, बोथ विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी गुड कार्तिक, हियर वी गो। डेप्थ एट विच स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मिनिमम इज नोन एज, एक ऐसी डेप्थ जहां पे ग्रेविटी मिनिमम हो जाती है उस डेप्थ को हम क्या कहते हैं, उस डेप्थ को आप कहेंगे क्रिटिकल डेप्थ। कौन सी डेप्थ कहेंगे बेटा, प्लीज बी फास्ट, बोलो भाई कौन सी डेप्थ होगी, क्रिटिकल, कौन सी, क्रिटिकल, क्रिटिकल। इट इज विच डेप्थ माय डियर, क्रिटिकल डेप्थ, कौन सी डेप्थ होगी, क्रिटिकल डेप्थ। क्लियर, क्रैंकशाफ्ट आर प्रोड्यूस बाय, मैंने कई बार बताया कि जो क्रैंकशाफ्ट होगा इसको आप किससे प्रोड्यूस करेंगे बेटा, देखो ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, फोर्जिंग। तो डेफिनेटली बात है फोर्जिंग से सबसे बेस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, एंड वी वॉन्ट द बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फॉर द क्रैंकशाफ्ट। तो ऑप्शन कौन सा चूज कर लेंगे, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 3 लगा, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 3 लगा, ठीक है, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 3 लगा। क्लियर, इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स क्लोज पेयर, फोर्स क्लोज पेयर का एग्जांपल इसमें से कौन सा है आइडिया, प्लीज बी फास्ट एवरीबॉडी, कौन सा होगा बेटा। तो देखो सर्कुलर शाफ्ट रिवॉल्विंग इनसाइड द बेयरिंग बिल्कुल नहीं है, फोर्स मतलब कि ऊपर से उसमें फोर्स लगा, तो डेफिनेटली कौन सा है बेटा, देखो कैम एंड फॉलोवर दिख रहा है इसमें, मतलब जबरदस्ती सक्सेसफुली कंस्ट्रेन करके रखा है, राइट, कैम एंड फॉलोवर होगा। चलू आगे, शैल आई गो नाउ, चले आगे बच्चा पार्टी, प्लीज बी फास्ट, हियर वी गो। देखो ध्यान से, देखो environment friendly refrigerant R134a is using new generation domestic refrigerator, its chemical formula, so what is the chemical formula, kya aapko pata hai isme chlorine nahi hota, jante na chlorine nahi hona chahiye kyunki chlorine ozone layer depression karta hai, right, so we don't want chlorine, to dekho kya to chlorine 3 mein dikh raha hai, matlab ye option 4 ho jayega, agar aise bhi samajh nahi paaye, agar aise bhi samajh nahi paaye to my dear मेरे को बताओ R134 मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, R M माइनस वन, उसके बाद लिखते हैं N प्लस वन, उसके बाद लिखते हैं P, सो M माइनस वन वन आ गया, कंपैरिजन करो 134 का, उसके बाद माय डियर N प्लस वन 3 और P इज इक्वल टू कितना आया 4। दूसरा इक्वेशन क्या होता है बेटा, यहां से क्या निकला, M इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 4, और आपको पता है n प्लस p प्लस q इज इक्वल टू ट्वाइस m प्लस 2, तो n हो जाएगा 2, p हो जाएगा 4, q फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा, सो माय डियर 4
और प्लस दो मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या आया जीरो, क्यू इज इक्वल टू क्या आया जीरो, और हमारा फॉर्मूला क्या है सी एम एच एन एफ टी सी एल क्यू राइट। सी एल देखो क्यू जीरो आया मतलब सी एम सी टू एच टू एफ फोर, सी एल तो जीरो है मतलब ये देखो कोई लग किसी भी वे से कर सकते हैं डिपेंड ऑन यू माइंड सिंपल है, चाहे इस मेथड से कर लो या जो मैंने बताया कि क्लोरीन की वजह से होता है ओजोन का वो, तो माय डियर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा डायरेक्ट। वेपर दैट एग्जिस्ट अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर इज टर्म है, वेपर प्रेशर दैट एग्जिस्ट अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर इज टर्म एज माय डियर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हो उसको हम क्या बोलते हैं। बच्चा पार्टी सुपर हीटेड बोलेंगे कि नहीं बोलो, सुपर हीटेड बोलोगे सर क्या बोलेंगे इसको, सुपर हीटेड सिंपल है सुपर हीटेड माय डियर, सब कुल सैचुरेटेड का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे होंगे मतलब क्रिटिकल पॉइंट के नीचे होंगे ठीक है। हियर वी गो फॉर नेक्स्ट, देखो ध्यान से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ एन ऑटो कॉलिमेटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ ऑटो कॉलिमेटर का यूज क्या है इसमें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन, तो मेरे को आपको बताना है यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देखो टू मेजर राउंडनेस ऑफ बिल्कुल गलत है, टू मेजर फ्लैटनेस एरर, मेजर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या मेजर करेगा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सुपर हीटेड स्टीम का इट डिपेंड्स कि आप कितना ले जाते हो, क्योंकि आपने देखा है टीएस डायग्राम में, देखो यहां पे बता देता हूं टीएस डायग्राम ये होती है ठीक है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है सीपी टीएस, तो डेफिनेटली अब देखो ये सैचुरेटेड वेपर यहां पे रहेगा, उसके बाद आप ऊपर जाओगे तो ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर ये भी सुपर हीटेड है, और ऊपर जाओगे ये भी सुपर हीटेड है राइट ना, तो ये पूरा निकल जाओगे दैट इज व्हाट सुपर हीटेड, मेरी बात समझ में ओके। चलो माइंड हियर वी गो माइंड नाउ सी, देखो ध्यान से, स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मींस, अगर आप स्ट्रेन हार्डनिंग करा रहे हैं किसकी स्ट्रक्चर की स्टील की, तो इसका मीनिंग क्या है माय डियर, व्हाट डज इट मीन माय डियर, स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इट मींस व्हाट माय डियर, एक्सपीरियंसिंग हायर स्ट्रेस देन यील्ड स्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेन हार्डनिंग वहीं पे होती है जहां यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा हो जाता है, उसके जैसे क्या होता है जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, दैट इज वेरी गुड यस और नो, यस और नो माय डियर प्लीज बी फास्ट, एक्सपीरियंसिंग हाईएस्ट स्ट्रेस देन यल स्ट्रेस विद इन थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा ठीक है, विद इंक्रीज डिफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर फोर लगा दी बताओ, स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ स्ट्रक्चर स्टील, स्टील का राइट, आई होप एवरीबडी गॉट इट ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं स्ट्रेन ऑकर बिफोर प्लास्टिक फ्लो ऑफ स्टील मटेरियल, नहीं मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा, हियर वी गो, इन एन आईसी इंजिन द टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज फॉर बियरिंग इज मेनली, आईसी इंजन में जो लुब्रिकेशन सिस्टम यूटिलाइज होता है वो कौन सा होगा बेटा, वो भी अच्छी बात है कौन सा होगा बेटा, प्लीज बी फास्ट माय डियर, यस और नो, हाइड्रोडायनामिक, हाइड्रोडायनामिक मतलब क्या है कि जो प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट कराते हैं फ्लूइड के लिए बाय द हेल्प ऑफ जो रिलेटिव मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा, तो हाइड्रोडायनामिक लिखेंगे क्योंकि वहां पे आप यूज करते हैं प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम राइट, तो प्रेशर आप क्रिएट करते हैं फॉर फ्लूइड सो दैट कि फ्लूइड ऊपर चला जाए, नहीं तो मूव नहीं करेगा फ्लूइड, अंडर स्ट्रेसिंग इज अ डिफरेंट थिंग ना यार, अंडर स्ट्रेसिंग इज अलग है, वो अंडर स्ट्रेसिंग पटिक के लिए करते हैं हम लोग स्टॉर्म ठीक है। The rated discharge of centrifugal pump at a given speed represents discharge at which the pump efficiency is. I repeat once again. Rated discharge of a centrifugal pump at a given speed represents the discharge at which the pump efficiency is. So pump efficiency क्या होती है बेटा उसमें? Zero, minimum, maximum. Please be fast. बोलो जल्दी से. So my dear, क्या होगी?
देखो ध्यान से, आई रिपीट, रेट एट डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एट अ गिवन स्पीड रिप्रेजेंट डिस्चार्ज एट व्हिच एफिशिएंसी इज व्हाट माइंड मैक्सिमम, क्या होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम माय डियर, आई होप एवरीबॉडी गॉट इट, रेटेड फ्लो में, राइट। और हम जो पंप डिजाइन करते हैं दैट इज डिजाइन फॉर व्हाट माय डियर रेटेड कंडीशन, राइट, ऑपरेटिंग कंडीशन दैट द पंप इज डिजाइन फॉर दैट इज व्हाट रेटेड फ्लो, जिसमें हम करते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी एट रेटेड डिस्चार्ज, ये मान के हम चलते हैं। इसलिए मैंने बोला कि एफिशिएंसी को हम क्या मानेंगे, मैक्सिमम, ठीक है, ओके, चलो भाई। और नॉर्मल फ्लो की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल फ्लो की जो एफिशिएंसी होगी दैट विल बी लेसर देन द रेटेड फ्लो, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ अ पेट्रोल इंजन टू नॉट इंक्रीज बाय The tendency of a petrol engine to knock increases by, my dear, supercharging, scavenging, my dear, supercharging से होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है ऐसा, तो supercharging लगा दो, supercharging is beneficial for the CI engine, not petrol engine, that is SI, SI engine को suitable नहीं है, very good, ध्यान रखेगा rated वाले का maximum होगा, और जो normal वाले का होगा, और normal वाला मतलब operating condition, उसका कम होगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा माय डियर, कैन यू प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस थिंग, अभी बच्चा पढ़, यस और नो, अगर इसका फॉर्मूला याद होगा तो बता पाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं बता पाओगे, राइट, फॉर्मूला याद होगा तो बता पाओगे, नहीं फॉर्मूला याद होगा तो नहीं बता, राइट, बच्चा पढ़ी लेट मी नो। तो आपको बता दूं, आपने देखा था कंडीशन, मैंने इसके पहले भी कई बार किया या करवाया, देखो ऐसा अगर बार रहता है, ठीक है, दोनों साइड से फिक्स है, ये बार ये फिक्स है, इधर से भी और इधर से भी फिक्स है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक, माय डियर मान लो यहाँ पे टॉर्क टी ए लग रहा है, क्या लग रहा है, टॉर्क टी ए, और यहाँ पे टॉर्क टी बी लग रहा है, ठीक है, मान लो ये लेंथ हो गई और ये लेंथ हो गई, दो लेंथ है अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, राइट, यस और नो माय डियर, प्लीज बी फास्ट, चेक आउट, देखिएगा ध्यान से, इसको मान लो ये लेंथ ए हो गई और ये लेंथ बी हो गई, ठीक है, और यहाँ पे एक टॉर्क लग रहा है, दैट इज टी, क्या लग रहा है बेटा, टी लग रहा है, राइट माय डियर, देखिएगा ध्यान से, आप जानते हैं माय डियर, यहाँ से फिर टी ए इज इक्वल टू निकल करके आया, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी ए इज इक्वल टू क्या निकल कर आता है बेटा, टी ए इज इक्वल टू क्या निकल कर आया था माय डियर, प्लीज बी फास्ट, ये निकल कर आया था b अपॉन a प्लस बी इंटू टी, टी बी क्या निकल कर आया था बेटा, टी बी निकल कर आया था सर a अपॉन a प्लस बी इंटू टी, राइट, बस यही फंडा हम यूटिलाइज कर लेंगे डायरेक्ट आंसर निकल, ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि टी ए कितना है, राइट, टी ए फॉर टॉर्क टी, व्हाट माय डियर, टी ए वन कितना होगा, टी बाई थ्री होगा, राइट, यस और नो आइडिया, प्लीज बी, जब आप निकालेंगे टी ए वन पहली कंडीशन क्या कितना आएगा बेटा, बोलो भल्ली जल्दी बोलो भैया, कितनी लेंथ है, एल 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 टोटल कितनी है, थाइस एल, ठीक है, पहली दो यहाँ दो टॉर्क है ना, यहाँ एक ही टॉर्क है, यहाँ दो टॉर्क है, तो दो कंडीशन निकलेगा, टी ए वन निकलेगा, टी ए टू निकलेगा, टी बी वन निकलेगा, टी बी टू निकलेगा, ठीक है, तो माय डियर टी ए वन जब आप निकालोगे तो डेफिनेटली क्या है, देखो लेंथ कितनी है, 2 प्लस 1 में डिवाइड होगा मतलब 3 में, मतलब क्या जाएगा आंसर, अरे एल अपॉन थ्राइस एल होगा ना, एल अपॉन थ्राइस एल, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय टी, तो क्या हो जाएगा, एल एल कैंसल, 3 बचेगा नीचे, वहीं से अगर मैं टी बी वन की बात करूं आपसे तो टी बी वन क्या हो जाएगा बच्चा, देखो ध्यान से बोलो भाई, अरे टी बी टू टी में आ जाएगा, तो डेट इज व्हाट माय डियर टू टी बाय, क्या बात समझ में आई, अब सेकंड कंडीशन में ये तो टॉर्क टी के लिए थी, ठीक है, सॉरी बी के लिए मतलब टू, ये टू लेंथ होता थ्री, दैट इज व्हाट, अभी ये टॉर्क टी के लिए था, अब टॉर्क टू टी के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक है, सो टी ए टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, टी ए टू दैट इज ट्वाइस टॉर्क डिवाइडेड बाय अगेन थ्री आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा सर, राइट, टू बाय थ्री, अरे टॉर्क हमारा क्या है, टू बाय थ्री दैट इज व्हाट, हमने कौन सा लिया, टू टी टॉर्क लिया, राइट माय डियर, तो एल कितना है, टू एल है, टू एल अपॉन थ्राइस एल आएगा, तो टू बाय थ्री, और यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क टू टी, करेक्ट,
ये हो जाएगा 40/3। अब वही मैं टीवी टू की बात करूंगा जब, तो टीवी टू में क्या होगा बेटा, बोलो जल्दी से। माय डियर प्लीज बी फास्ट। टीवी टू विल बी नन अदर देन, देखो अपने टॉप ये लिया है तो डेफिनेटली बी के लिए क्या होगा बेटा, एल लेंथ बचेगा, राइट, एल ही लेंथ बचेगा। सो माय डियर डेफिनेटली इसको ले लिया हमने एल अपॉन थ्राइस एल, मतलब ट्वाइस टी बाय थ्री। L upon thrice L, तो L L cancel 1/3 बचा, torque की value क्या ली थी 2T, ये वाला T के लिए था, ये वाला नीचे वाला 2T के लिए था। आपके पास दो दो है, अब my dear TA अब दोनों को add कर दो, दोनों को add कर दो बस, तो TA is equal to आ जाएगा आपका, अब दोनों को add करना है बस, TB is equal to आ जाएगा my dear none other than 4/3, simple, किसी को doubt है तो बोलो, TA is equal to none other than 5T/3, that is right। किसी को डाउट है तो बोलो भाई, बोलो बोलो डाउट किसको है। देखो एक टॉर्क के लिए मैंने आपको बता दिया, यहां है दो टॉर्क, तो दोनों टॉर्क के लिए निकालेंगे तो दो दो निकलेंगे, फिर समझ आएगा कि नहीं आया, नहीं आया होगा तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन माय डियर, नहीं आया होगा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। मैंने यहां तो बताया इट इज फॉर सिंगल टॉर्क, Here we have double torque. Did you get it? Number 3 कैसे आएगा? MA 5/3T and that is 40/3. So definitely option number 4 is going to be right. So here we go for the next one. See. Flash point of volatile material is lowest temperature at which material? Flash point, my dear. Flash point. So definitely it is not going to बर्न नहीं होगा, राइट माय डियर, ऑटोमेटिक मतलब ऑटो इग्निशन नहीं होगा, लेकिन इट विल इग्नाइट इन प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स, लेकिन हाँ उसमें आग लगाओगे तो डेफिनेटली वो जलेगा, दैट इज व्हाट माय डियर अ फ्लैश पॉइंट, राइट। क्या क्या बोल रहे हो, टॉर्क डायरेक्शन डिफरेंस होगा तो बोल रहे हो क्या, तो फिर बाद में हमको उसमें से प्लस माइनस लेंगे, फिर और क्या, प्लस माइनस इंडिकेट हो जाएगा उसमें, तो जब समेशन करोगे तो वहां माइनस आ जाएगा, सिंपल। The type of flow in which fluid particle moves along well-defined path or a streamline and all streamlines are straight and parallel is known as, my dear. All streamlines are straight and parallel. So my dear, flow kya hoga? Laminar hoga ki kaun sa? Yes or no? Bilkul laminar hoga sir. Asar nahi bachi. Laminar hoga. It is going to laminar. Laminar flow is there, my dear. Okay? Here I go for next one. See, in an application, the bearing is subjected to radial as well as axial loads. Which type of rolling contact bearing you would suggest, my dear? In an application, the bearing is subjected to radial as well as axial loads. Which type of rolling bearing you would suggest? कौन से type का आप bearing suggest करोगे बेटा? Please be fast. Which type of bearing? So definitely दोनों load ले पाए. Taper होना चाहिए, right? Taper roller bearing is there, my. जो दोनों लोड ले लेगी, वेरी गुड, दोनों लोड ले लेगी, ये नीडल नहीं होगा बेटा, नीडल सिर्फ एक्सियल लेगा माय डियर, ठीक है, यस और नो, प्लीज बी फास्ट, शैल आई गो नाउ, यस और नो बच्चा पार्टी, हियर आई, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सियल ले पाएगी बेटा, ठीक है, सॉरी रेडियल लोड ले पाएगी, सॉरी सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग विल टू ओनली रेडियल लोड, बट यहां पे उन्होंने बोला था कि एक्सियल भी लेना है, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, हियर वी गो। ए पंच इज यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन अ स्टील प्लेट्स विद थिकनेस 8 mm, पंच डायर गिवन 20 mm, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग अ होल इज व्हाट, 110 kN, एवरेज शियर स्ट्रेस इन द प्लेट विल बी नियरली, तो जो एवरेज शियर स्ट्रेस होगा प्लेट में वो कितना होगा ये बताओ माय डियर, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट बच्चा, यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट माय डियर, सर फोर्स इज इक्वल टू होता है पाई डी टी इनटू टाउ, टी इज थिकनेस, सो डेफिनेटली आई हैव टू फाइंड आउट टाउ, सो टाउ विल बी नन अदर देन एफ अपॉन पाई डी इनटू टी, सो इट इज व्हाट माय डियर, जस्ट यू पुट द वैल्यूज, सो फोर्स इज व्हाट, 110 × 10⁻³ N, पाई वैल्यू एज इट इज, डायमीटर इज गिवन, that is what my dear 20 × 8, so you get the answer,
And this answer will come around, my dear, 2-1. Matlab almost 2-1. This question is very easy, my. Right? This question is very easy. Here we go for next one. See. Fouling in heat exchanger increases. जो फॉलिंग होती है हीट एक्सचेंजर में उसके कारण क्या इंक्रीज होता है बेटा, डेफिनेटली टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे एंड वेलोसिटी डिक्रीज करोगे तो डेफिनेटली पानी रुकेगा, हीटअप होगा, फॉलिंग होगी, राइट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन वेलोसिटी, क्योंकि फ्लो कम होगा, राइट, यस और नो? जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा फॉलिंग का चांसेस है, और जितना वेलोसिटी डिक्रीज होगा उतना फॉलिंग का चांस, राइट, आई होप एवरीबॉडी गॉट इट. सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डस गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स, ये सिंबल क्या बताता है, एनी मशीनिंग मेथड मे बी यूज, मटेरियल रिमूवल नॉट परमिटेड, माय डियर प्लीज बी फास्ट, व्हाट इट इंडिकेट्स, कैन यू प्लीज लेट मी नो कि क्या इंडिकेट कराता है ये, बच्चा पार्टी प्लीज बी फास्ट, यस और नो माय डियर, व्हाट इट इंडिकेट्स, कैन यू प्लीज लेट मी नो, इट इंडिकेट्स मटेरियल रिमूवल नॉट परमिटेड, not permitted, my option number 2 is right, very good Kumar, Anjan Yulu, please check your answer, is not permitted, ye permitted nahi hoga yahan pe, circle laga hua hai, dhyan se dekhiye, okay, shall I go now, next, aage ke liye chale, bolo bhai, yes or no, shall we go ahead, here we, dekho the answer, बोलो भाई आगे आंसर सभी के, हियर वी गो माय डियर, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मल्टी डिस्क फ्रिक्शन क्लच ट्रांसमिट टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर, द आउटर एंड इनर डाया ऑफ फ्रिक्शन यूजिंग द आउटर एंड इनर डाया ऑफ द फ्रिक्शन यूजिंग आर 100 mm 50 mm रिस्पेक्टिवली, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25, मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी 0.8 मेगापास्कल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिस्क यूज, आपको बताना है एट दैट वी हैव टू यूज व्हाट माय डियर, you have to find out total number of discs. Another thing is what, my dear, you have to use uniform wear theory. How we can proceed, my dear, please let me know. So you know that F is equal to what, my dear, 2 pi r, what it is, I, right, 2 pi and p, 2 pi p r I, outer radius minus inner radius, right, torque is what, my dear, n mu and what, n mu f are equivalent, correct, now my dear, see, r equivalent as r equivalent will be what, my dear, in this r o plus r I by 2, correct, so what it should be, my dear, kitna ho jayega ye, and my dear, that is n is equal to none other than n1 plus n2 minus 1, right, that is what, n1 and n2, what my dear, number of discs, okay, so bacha party, here you can give, so f is equal to what, my dear, 2 pi as it is, right, yes or no, and now my dear, 0.8 into 2.5, 0.8 divided 2.5 or 0.25, 2.5 into 25, correct, yes or no, are bhaiya inka wo le liya humne, average le liya, so definitive idea ki kitna hoga, ye ho jayega none other than my dear 1000 pi r, pi newton hai, n means newton, it's a unit, okay, so torque is equal to, now see, torque is equal to, it is what, my dear, 100 into 1000, right, 1000 what, 1000, so my dear, it is going to be equal with none other than n into what, 0.25 into 1000 pi multiplied by average, that is going to be 75/2, so from here you will get, my dear, n, dono ko equivalent kiya hai to 3.39 aayega, approximately kitna aa jayega, acha kisi ko koi doubt hai, let me know, koi doubt hai, option number 3 nahi hoga, option number 2 hoga, the correct option will be the option number 2, the option number 2 is the correct option for this question, my dear, please check your answer,
अपने आंसर चेक कर लेना, ये दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, सिंपल है, ठीक है। यस नो, टॉर्क आपको दिया हुआ था, वेरी गुड, यस और नो। सर ये 1000 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? अरे भैया एमएम है, न्यूटन मीटर है, एमएम में किया उसको, बिकॉज यहाँ पे डायमेंशन आपने एमएम में लिए हैं, तो दोनों साइड के डायमेंशन बैलेंस करने पड़ेंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, 3.39 आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 4 हो जाएगा, राइट माय डियर। शैल आई गो नाउ? चलो, सो माय डियर यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। नाउ आई वांट टू टेल यू कि इफ यू वांट, अगर आपको कोर्सेस बाय करनी, इफ यू वांट टू बाय एनी कोर्सेस, देन माय डियर फॉर बाइंग दिस यू कैन यूटिलाइज माय कोड व्हाट, धीरज डी, so that you have flat 20% discount on the MRP. Here I have mentioned. And if you want to buy textbook pass, what my dear, TV pass. So that, for that you can use my code DHD pass, so that in that you will get 30%. So keep in mind this thing, right? And we have a daily class at 3 p.m. Okay. And my dear, another thing that I want to tell you, right now we have a masterclass, link group pe share hai, right? So master class we have on what, my dear? SOM PYQ. And this PYQ will be what, my dear? Of ESC. Right? Engineering Sciences exam. Okay, so please join at 5 p.m. sharp. Textbook app pe milegi lekin ye class. Dhyan rakhiyega. Theek hai? Textbook app pe hi mil payegi. And my dear, agar aapko jankari zyada chahiye iske bare mein, to you can join this Telegram group having a title Dhirastar_Textbook. My dear, till not, if you have not subscribed the channel, then please do hit like, share and subscribe the channel. Channel ko subscribe karna bilkul nahi bhulenge aap, right? And my dear, I will see you in the next class at 5 p.m. and that test will be on the app only. So please join or download the app, as well as my dear, you can join my Telegram group as well. Thank you, my dear.